तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चार्जेस का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो पिछले लेक्चर में आपने कूलम्स लॉ समझा और कूलम्स लॉ में ही एक छोटा सा पॉइंट और आता है परमिटिविटी का, पर इसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाया क्योंकि इसमें एक फील है, उस फील को समझेंगे। पहले बोर्ड लेवल की बातें करेंगे शुरू के लेक्चर में, फिर एक दो न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल का लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल हम IIT, JEE या अपने नीट के लेवल का कर लेंगे। सो माई नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी 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 प्यारा सा भोला सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलिए आज हेडिंग लगाएं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या? परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस टॉपिक का जन्म कहां से होगा? परमिटिविटी हलवा सा टॉपिक है, बहुत समय नहीं लेंगे। एंड रिलेटिव परमिटिविटी, देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, समझो क्या हुआ। हमने कूलम्स लॉ में अभी तक पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन R है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो होती है K Q1 Q2 / R2। यहां तक बात की थी हमने आपको, ये बताया था कि जो कॉन्स्टेंट K है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, के की वैल्यू एयर में कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी। आज के लेक्चर में हमने देखा कि ये जो के की वैल्यू है इसको किताबों में ऐसे लिखता है 1/4πε, ई नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? एप्साइलन ई, 1/4πε, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4πε Q1 Q2 / R2। एप्साइलन नॉट मत लिखना, कई लोग सोच रहे हैं एप्साइलन। अब ये एप्साइलन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये रहा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। क्या? कि दो चार्जेस Q1 Q2 R डिस्टेंस पे किसी मीडियम में अगर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी, तो आप समझते हैं सेम तरह के चार्ज होंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे, अट्रैक्ट, दैट फोर्स इज K Q1 Q2 / R2। और आज K की भी वैल्यू रखी 1/4πε Q1 Q2 / R2, और एप्साइलन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जरा ध्यान से देखो यहां पर कि एप्साइलन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी छोटी हो जाएगी। मतलब जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा वहां पे फोर्स बिटवीन चार्ज उतनी कम। यार इसका फील क्या है, मतलब क्या सर? परमिटिविटी तो मतलब परमिट करना चाहिए था, परमिट करेगा तो फोर्स बढ़नी चाहिए। जरा सोचो नाम क्या है, नाम दे रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत था परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब अलाउ करना, तो अगर ये अलाउ कर रहे हैं तो फोर्स को तो बढ़ना चाहिए ना, फोर्स को तो अलाउ होना चाहिए बढ़ने के लिए, पर फोर्स डिक्रीज कर रही। इसको समझते हैं मतलब क्या है। परमिटिविटी का मतलब है दैट इट परमिट्स, इट्स इट परमिट इट्स ओन फील्ड, इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। आराम से, परमिटिविटी का मतलब इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, मतलब मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है, मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, दैट इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, अपनी खुद की फील्ड को परमिट करता है कि जाओ चार्जेस के बीच की फील्ड को कम कर दो। जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2 आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, इंटरैक्ट मतलब कुछ, मान लो कुछ फोर्स वगैरह कुछ चल रही थी कहानी, अब किसी मीडियम में डाला तो मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, इनकी फोर्स को परमिट नहीं कर रहा, अपनी फील्ड को परमिट कर रहा कि जाओ जाओ और इनकी फील्ड को तोड़ दो,
यानी किस चीज को परमिट कर रहा, फोर्स को परमिट कर रहा कि फोर्स लगाओ, बढ़ जाओ फोर्स, जितनी फोर्स लग रही है लगने दो, नहीं, उसको रोक रहा, विलेन की तरह आया। परमिटिविटी नाम से तो लग रहा है कि अलाउ कर देगा, है ना, जैसे किसी मूवी में विलेन का नाम रख दें हम राम खिलावन, है ना, तो नाम से तो लग रहा है कि वो राम है, भला करेगा, पर भला नहीं करेगा, बुरा करेगा। समझ में आ रहा है, ये ऐसा विलेन है जो राम खिलावन नाम से आया, नाम तो दे रहा है परमिटिविटी की, जाओ परमिट किया फोर्स लगाओ, पर नहीं, किसको परमिट किया, अपनी फील्ड को परमिट किया कि जाओ इनके बीच की फील्ड को वीक कर दो। अब ये समझ में आ गया, कभी इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होंगे, परमिटिविटी मतलब अपनी फील्ड को परमिट करना कि जाओ चार्जेस की बीच की फील्ड को डिक्रीज कर दो, जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज, मतलब जितनी ज्यादा परमिटिविटी ऑफ मीडियम उतनी कम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहां तक क्लियर हुई बात, यहां तक क्लियर हुई बात। फिर देखो, हमने पाया कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, दिस इज फाउंड मिनिमम फॉर वैक्यूम, या इसी को आप बोलते हो फ्री स्पेस। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में हमने पाया कि एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है, जिसका मतलब फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम, यानी दो चार्जेस के बीच की फोर्स सबसे ज्यादा किस में होती है, वैक्यूम में। सही बात है भाई, वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं है जो खुद को परमिट करे कि जाओ फोर्स को तोड़ो, कुछ है ही नहीं। इसलिए टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की फोर्स मैक्सिमम कहां होगी, वैक्यूम में। वहां कोई चीज है ही नहीं जो परमिट हो जाए कि जाओ तोड़ो, उसके पास कोई पार्टिकल ही नहीं जिससे बोले जाओ तोड़ के आओ, कुछ नहीं है। किसी और मीडियम में जाएगा तो भाई उसके पास अपने पार्टिकल होंगे, कहेगा हम परमिट करते हैं, जाके तोड़ दो और फोर्स को डिक्रीज कर दो। जरा नोट कर ले, मिटार के आगे बताएं आपको, बहुत ही हलवा सा लेक्चर है, लास्ट में एक बढ़िया न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4 pi एप्सिलॉन q1 q2 / r2। एप्सिलॉन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन जितना ज्यादा फोर्स उतनी कम। मिटा रहे, ओके। अच्छा, फिर हमने आपसे क्या बोला कि एप्साइलिन की वैल्यू हमने पाया मिनिमम है इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, या उसी को कई बार एयर भी बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए पर हम लोग के सिलेबस में एयर वैक्यूम सेम ट्रीट होता है, जबकि एयर थोड़ा, भाई एयर में तो मॉलिक्यूल्स आते हैं पर मान लेते हैं करीब करीब से। तो हमने पाया एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है, सबसे कम फोर्स को वीक करता है, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर, और किसी और मीडियम में डालोगे तो फोर्स डिक्रीज करेगी। यानी यहां से एक बात साफ है, अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं मतलब वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ नॉट से, कोई दिक्कत, एफ नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर है ये बात, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू हमें पता है, इट इज 8.85 इंटू 10^-12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में इसकी ये वैल्यू है 8.85 10^-12 कूलाम्ब स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। किसी भी और मीडियम में जाओगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इससे ज्यादा होगी। अच्छा, परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स को वो और कम कर देगा, फोर्स यहां पर क्या थी, मैक्सिमम, किसी और मीडियम में वो ज्यादा परमिट करेगा, यानी फोर्स इन एनी मीडियम will be less than force in air। अगर दो charges के बीच में air में कुछ force निकाली है और charges same रखो, distance same रखो, बाकी सब same रखो और उन्हीं charges को किसी medium में डाल दो, तो force हमेशा
डिक्रीज करी, क्योंकि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से या वैक्यूम से ज्यादा, किसी भी मीडियम में डालोगे तो वो अपनी लाइंस को बहुत ज्यादा परमिट करेगा कि जाओ फोर्स को वीक करो, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम इन वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, एंड फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट सेफ सेपरेशन। ये भी बात है, जितने सेपरेशन में एयर में रखा था उतने ही सेपरेशन में रखो, अब उसमें चेंज वेंज कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी भाई, पास ले आओगे तो फोर्स बढ़ ही जाएगी, वही सेपरेशन पे अगर रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि किसी मीडियम में फोर्स एयर से ज्यादा है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मैक्सिमम मस्त फोर्स चाहिए तो उनको फ्री स्पेस में छोड़ दो, वहां कोई है ही नहीं जो इनको अपनी पार्टिकल्स को परमिट करके इनकी फोर्स को तोड़े, किसी भी मीडियम में डालोगे तो वो अपने पार्टिकल्स को डालकर इनकी फोर्सेस को कम कर देगा। ये कंसेप्ट है परमिटिविटी का। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई? फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर, एंड परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस वैक्यूम इज 8.85 × 10⁻¹². यहां तक क्लियर हुआ? नोट करें, मिटा दें। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर है? किसी भी मीडियम में डाला तो फोर्स डिक्रीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जैसे परमिटिविटी ऑफ एयर हमने देखी कितनी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने देखी कितनी है, 8.85 × 10⁻¹² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। जैसे मान लो परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू हम देखें तो परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू करीब करीब 7.12 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इससे ज्यादा हो गई कि नहीं वैल्यू। अब अगर परमिटिविटी बढ़ गई है तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी वाटर में दो चार्जेस के बीच की फोर्स एयर के मुकाबले में कम होगी क्योंकि परमिटिविटी इसकी बढ़ रही है, वाटर ज्यादा परमिट करेगा अपने पार्टिकल्स को कि जाके फोर्स को वीक करो। जैसे हम ग्लास की बात करें, परमिटिविटी ऑफ ग्लास पर्टिकुलरली प्लेक्सी ग्लास, क्योंकि ग्लास तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमने ग्लास की बात की तो हमने देखा 3.01 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्लास की बात करें तो ग्लास की परमिटिविटी भी एयर से ज्यादा है, तो मैं यही बता रहा हूं परमिटिविटी ऑफ एयर इज फाउंड टू बी मिनिमम, और क्योंकि परमिटिविटी मिनिमम है इसलिए फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन एयर इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, किसी भी और मीडियम की परमिटिविटी देखी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोट कर लो, इन सब वैल्यूज याद नहीं करनी है, सिर्फ एयर वाली चाहो तो याद रख सकते हो, वैक्यूम वाली पेपर में दी होती है पर चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी और कोई चीज आपको नोट नहीं, मतलब याद नहीं करनी है, ऐसे समझने के लिए लिख सकते हो, दिस यू डोंट हैव टू लर्न। अच्छा, अब क्या हुआ, सबने कहा कि यार ऐसे इतनी वैल्यूज कौन याद करेगा, अभी परमिटिविटी किसी और चीज की, किसी और चीज की माइका की आ जाएगी, ग्लास में भी बहुत से होते हैं, तरह तरह के ग्लास होते हैं, हाँ, अलग अलग मीडियम की अलग ऑयल आ जाएंगे, अलग अलग तरह के लिक्विड आ जाएंगे, अल्कोहल, सबकी परमिटिविटी ऐसे पढ़ेंगे नहीं। इसको आसान करने के लिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इन्होंने कहा इतनी लंबी लंबी वैल्यू हटाओ यार, हमें कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सिंपल, बहुत सिंपल, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो उसको एयर से कंपेयर कर लो कि एयर से कितने गुना ज्यादा परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर से कितने गुना ज्यादा है, भाई सब तो ज्यादा होनी है तो श्योर है, एयर की सबसे कम है, कितने गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ई आर टाइम्स ई नॉट। देखो ये आपको पता है परमिटिविटी ऑफ एयर, अगर कोई आपको रिलेटिव परमिटिविटी बता दे कि कितने गुना मीडियम की परमिटिविटी एयर से ज्यादा है तो आप मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हो, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा हम क्या समझ लें, रिलेटिव परमिटिविटी, हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाए वाटर की
तो हम वाटर की परमिटिविटी निकाल लेंगे। रिलेटिव मतलब कि वो एयर से कितने गुना ज्यादा है। क्लियर? जैसे इसको मैं मिटा रूं, तैयार? ओके। जैसे मान लो हम आपसे बोल दें दैट द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। एक्चुअल में 80.4 होती है, बट मान लो दे दिया इज 81। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर इज 81। यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है तो 81 से मल्टीप्लाई कर दो परमिटिविटी ऑफ ऑफ एयर को। काम खत्म। बोला, समझ में आया? आसान है। जैसे आपसे बोल दे द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, कोई ग्लास है, इज 7। ग्लास की 5 से 10 के बीच में आती रिलेटिव परमिटिविटी इज 7। इसका क्या मतलब है? परमिटिविटी ऑफ ग्लास अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर इज 7। परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से हमेशा ज्यादा, वैक्यूम से हमेशा ज्यादा, कितने गुना ज्यादा, उसी को बोला रिलेटिव परमिटिविटी। फील आ गया? कितने गुना ज्यादा? 7 गुना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी, 81 गुना ज्यादा। हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? अच्छे से, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया, पक्का एकदम। मैं बोलूं द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, कोई लिक्विड है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, मतलब परमिटिविटी ऑफ लिक्विड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8। यानी परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 8 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। फिर से लिख लें, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट करें। अच्छा, पता है, इसको नोट कर लो फिर बताएं। इसको समझने का एक और तरीका है, पहले नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको। क्या दिखाई पड़ रहा है कैमरे में? सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ फ्रेम के अंदर। लिख लिया। इसको समझने का एक और तरीका है, फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा दूं। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे यहां पे लो कि वाटर की परमिटिविटी एयर से 81 गुना ज्यादा है। यानी वाटर में फोर्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स 81 गुना ज्यादा फोर्स को वीक करेंगे। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हो, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन वाटर इज फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज पार्टिकल्स इन एयर डिवाइडेड बाई 81। ये फील आया कि नहीं आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो, मैं ये कह रहा हूं द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। अभी दिला देंगे फील। क्या ये लिख सकते हैं? देखो, वाटर की परमिटिविटी एयर से 81 गुना ज्यादा, यानी वाटर की परमिटिविटी एयर से 81 गुना ज्यादा, मतलब वाटर में जो फोर्स होगी वो 81 गुना कम हो जाएगी। भाई, परमिटिविटी 81 गुना बढ़ी तो फोर्स 81 गुना कम हो गई। ऐसा प्रूफ देख लो, विश्वास नहीं होता, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको एयर में रखा तो फोर्स इन एयर क्या हो जाएगी? फोर्स इन एयर या वैक्यूम 1/4πε0 Q1 Q2 r2। अब उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को उतने ही सेपरेशन में किसी मीडियम में डाल दिया तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगी? 1/4πε ऑफ मीडियम Q1 Q2 r2। जरा एक काम करो, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम का रेशियो निकालो, दिस डिवाइड बाई दिस। इसमें से ये डिवाइड करोगे, 1/4π कैंसिल, ई एम ऊपर चला जाएगा, ई नॉट नीचे आ जाएगा। बोलो सही है? और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इससे इसको डिवाइड करो, ये और ये कैंसिल होंगे, ये ई एम ऊपर चला गया और ये दोनों कैंसिल। जरा ध्यान से देखो, ई एम बाई ई नॉट, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी है। अब देखो जरा, फोर्स इन मीडियम
इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन ईआर, ये भी एक फील है. फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन ईआर. दो तरह से रिलेटिव परमिटिविटी को समझ सकते हो. यहां लिखा है सारा कहानी. पहला कि मीडियम की परमिटिविटी एयर से वैक्यूम से कितने गुना ज्यादा, उसको बोलो रिलेटिव परमिटिविटी. या फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, एयर में अगर एफ नॉट है तो मीडियम में कितनी हो जाएगी, एफ नॉट बाई ई आर. यानी फोर्स ई आर गुना कम होती है, परमिटिविटी ई आर गुना बढ़ जाती है. क्लियर? फोर्स ई आर गुना कम हो जाएगी, परमिटिविटी ई आर गुना बढ़ जाएगी. बोलो क्लियर? फोर्स इन एयर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. फोर्स इन मीडियम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम ऑफ मीडियम क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. इसको इससे डिवाइड किया, कैंसिल, ई एम बाई ई नॉट. ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी. यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन ई आर, प्रोवाइडेड चार्जेस सेम रखो और उनके बीच का सेपरेशन. यानी फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम होती है और परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी गुना बढ़ जाती है. यार बात करते रहेंगे तो कंफ्यूज होते जाओगे, सवाल करते हैं. मिटा दें, लिख लो मिटा दें फिर. क्लियर है? ये बात नहीं समझ में आई. आगे दो चार्जेस हैं आर डिस्टेंस पे, फोर्स इन एयर 1 बाई 4 पे, फिर मीडियम में गए किसी वहां पर एम, फिर इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, ई एम बाई ई नॉट. ई एम बाई ई नॉट क्या होता है? ई आर. फोर्स इन मीडियम, यहां से देखो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर. यानी मीडियम में जाके फोर्स ईआर गुना कम हो गई, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी ईआर गुना ज्यादा थी. परमिटिविटी बढ़ी, फोर्स घटी. क्लियर है? क्लियर है? चलो एक हलवा सा सवाल ले लेते हैं. पहले मान लो हम बोलते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं क्यू वन क्यू टू और उनके बीच में सेपरेशन है डी, और अभी हमने रखा है इसको वैक्यूम में, तो फोर्स है F. फिर इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल Q1, Q2 को सेम सेपरेशन D में हमने रख दिया किसी लिक्विड में, और लिक्विड में रखने पे इनके बीच में फोर्स हो गई F बाई 4. हमसे पूछा व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड. सीधा आंसर 4. कितने गुना फोर्स कम हुई? 4 गुना. दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. कर लो. अच्छा, एयर में फोर्स को क्या बोलते हो? F नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई D स्क्वायर. अच्छा, मीडियम में फोर्स को क्या बोलते हो? Fm 1 बाई 4 पाई E ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई D स्क्वायर. 1 बाई 4 पाई E ऑफ मीडियम. अब एक काम करो, आपको क्या चाहिए? ER चाहिए. अच्छा, एक काम करो, इससे इसको डिवाइड कर दो. फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम डिवाइड कर दो. जरा ऊपर है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम. ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर. इसको लिखने की जरूरत नहीं. ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. बोलो सही है? ई एम बाई ई नॉट को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी. ई एम बाई ई नॉट रिलेटिव परमिटिविटी. यहां से देखो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी. फोर्स इन मीडियम कितनी दे रहा है? F by 4. फोर्स इन एयर कितनी दे रहा है? F upon ER. यहां से ER की वैल्यू देखो 4 दिख रही है. मैंने बोला ना, जितने गुना फोर्स कम हो जाए, प्रोवाइडेड चार्जेस और डिस्टेंस सेम रहे, जितने गुना फोर्स कम हो गई मतलब परमिटिविटी उतने गुना बढ़ गई. मीडियम की, मीडियम उतना ज्यादा अपनी लाइंस को परमिट करके फोर्स को तोड़ा है. जितने गुना फोर्स कम हुई परमिटिविटी उतने गुना बढ़ी है मीडियम की. फोर्स 4 गुना कम हुई यानी परमिटिविटी 4 गुना ज्यादा है. जितने गुना ज्यादा है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी 4. करके भी दिखा दिया. क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन भी याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी का. ये तो है ही है, ये भी है. क्लियर है? फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेस रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स. अच्छा, एक अच्छा सवाल लेते हैं, जरा थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको. मिटा रहे इसको? मिटा रहे. ओके, मान लो इसी सवाल में थोड़े से मैं फेर बदल कर दूं. क्वेश्चन नंबर 2 कह लो इसको भले ही तुम, थोड़े से फेर बदल कर दूं. यहां Q1 चार्ज, यहां Q2 चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना था?
डी था और फोर्स इन एयर मान लो एफ है, एयर या वैक्यूम, वैक्यूम मान लो एफ है। अब इन दोनों चार्ज को मैंने एक ऑयल में डुबा दिया, सेम चार्जेस हैं, इनको मैंने एक ऑयल में डुबा दिया और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया किसी ऑयल में, और फोर्स देखा हो गई आधी। अब पूछा व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस ऑयल, बताओ, सोच के जवाब देना। क्या अभी आंसर टू होगा? नहीं, क्योंकि इस बार डिस्टेंस भी चेंज किया है, उसकी वजह से भी फोर्स पे असर पड़ेगा। भाई इस बार डिस्टेंस भी तो बदल दिया, डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़नी चाहिए, तो कुछ कहानी में और भी बातें आ गई। अगर डिस्टेंस और चार्ज सेम होता और फोर्स दो गुना कम होती तो किसकी वजह से? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इसकी डबल है तो फोर्स आधी हो गई, पर ऐसा नहीं है, यहाँ डी भी चेंज है। अब क्या करोगे, एफ को क्या लिख सकते हो? एफ नॉट लिख सकते हैं, फोर्स इन एयर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। एफ बाई टू क्या है? फोर्स इन ऑयल कह ले, मीडियम बोल, मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 pi E ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन डी बाई टू का स्क्वायर। मतलब वो चीज वाला कंसेप्ट तभी यूज करना जब Q और डी सेम हो, तब बोलना जितने गुना फोर्स का मैं रिलेटिव परमिटिविटी उतना है। अभी नहीं यूज कर सकते, अभी डी चेंज हो गया। फिर से रेशियो निकाल लो, फिर से रेशियो निकाल लो एफ ओ अपॉन एफ एम का, एफ ओ बाई एफ एम। तो इससे इसको डिवाइड करोगे, ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा ई एम बाई ई नॉट, बोलो सही है, 4 pi 4 pi कैंसिल, ये 1/1 upon this 1/1 ये ऊपर चला जाएगा ई एम बाई ई नॉट, कर लो यार। अच्छा 1/4 pi epsilon naught अपॉन 1/4 pi epsilon m इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर बाई 4, बोलो सही है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? एफ ओ फोर्स इन एयर अपॉन एफ एम फोर्स इन मीडियम, ये ऊपर गया, ई ऑफ मीडियम अपॉन ई ऑफ एयर इंटू, ये क्या है, 1/1/1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, बोलो सही है। ये चार उठ के यहाँ पे आ जाएगा ना, फोर्स इन एयर दे रखी है एफ, फोर्स इन मीडियम दे रखी है एफ बाई टू इज इक्वल्स टू ई एम बाई ई नॉट, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू 1/4। एफ से एफ कैंसिल, टू ऊपर आ जाएगा, टू इज इक्वल्स टू ई आर इंटू 1/4, यहां से ई आर की वैल्यू आ गई 8, विच इज द करेक्ट आंसर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल इज 8। लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता था, देखो पूरा तरीके से किया, समझ में आया होगा ये तो कैंसिल एंसर। लॉजिकली देखो, डिस्टेंस को आधा किया, फोर्स बढ़नी चाहिए थी, डिस्टेंस को आधा किया, फोर्स क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कितने गुना बढ़नी चाहिए? डिस्टेंस आधा करने पे फोर्स मेरी बढ़नी चाहिए 4 गुना, मतलब ये होना चाहिए था 4F। भाई डिस्टेंस आधा करोगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ती है, और हमने बोला कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 8, मतलब फोर्स घटनी चाहिए कितने गुना, 8 गुना, तो फाइनल आंसर F/2। क्लियर? सोच के भी कर सकता था, डिस्टेंस आधा किया तो फोर्स बढ़ गई 4 गुना, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 8, तो फोर्स घट गई 8 गुना, तो F/2। क्लियर? तो हमेशा नहीं कि जितना दिख रहा है सीधा सीधा बोल दिया, यार दड़ा देख लेना Q1 Q2 D सेम है कि नहीं, मिटा रहे, एक्चुअल कंसेप्ट तो यही है, फोर्स इन एयर फोर्स इन मीडियम, फिर डिवाइड कर दो। अच्छा, अब इसका एक अच्छा सवाल देखो, ये अपना जेई मेंस में आया था, अब जेई मेंस तो नहीं कह सकते, तब हमारा AIEEE होता था, पर जेई मेंस लेवल का ही होता था, तो उसमें एक सवाल पूछा था, बढ़िया सवाल है, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, यही एक अच्छा सवाल है आज का, कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, लिख दो इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, टू स्फेरिकल चार्जेस इक्वल है, ठीक है, टू स्फेरिकल चार्जेस, टू स्फेरिकली, टू स्फेरिकली, ये तो इस तरह से लिखने में, जो चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स, इस बार सारे नोट्स भी आपको PDF में मिलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अगले एक हफ्ते के अंदर नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे, वेबसाइट अभी
अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वेबसाइट खुलेगी उस पर बहुत सुंदर से, कुछ नहीं, सिंपल से रहेगा, उस पर नोट्स अपलोड होंगे, धीमे 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 बढ़ेगा जैसे आप लोग के प्यार से चैनल बढ़ा, ठीक है। टू स्फेरिकली चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स, ठीक है, सेम चार्ज है, ठीक है। टू, अरे यार लिखने में ना क्वेश्चन छी हो जाता है, फिर से, टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स आर हंग बाय स्ट्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग्स मेक 60 डिग्री विथ ईच अदर इन वैक्यूम, इन वैक्यूम व्हेन द होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 सॉरी ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन्स सेम। कैलकुलेट डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ फ्लूइड। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। बताना मैं भूल गया, अभी समझ में आ गया। रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। जैसे आपको याद हो केमिस्ट्री में हम बताते थे वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, लास्ट ईयर हमने कई बार बताया, मतलब वाटर अपने अंदर कोई भी बॉन्ड, किसी भी तरह का बॉन्ड, आपने देखा था सी और हैलोजन का बॉन्ड, अभी हम SN1 SN2 में बहुत बताए थे कि वाटर क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वाटर के पास बहुत ज़्यादा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा परमिटिविटी, यानी अपने मॉलिक्यूल से कहता है जाओ इनके बीच की फोर्स को तोड़ दो, और इसीलिए हम वाटर को वहाँ पे कैसे लेते थे, एज अ सॉल्वेंट, याद है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। खैर वापस आते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड ER, और गिवन है डेंसिटी ऑफ स्फीयर जिसका बना है स्फीयर जिस मटेरियल का 1.5 ग्राम पर cc। जरा इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, आया हुआ सवाल है, खुद से ट्राई करो। चार ऑप्शन में दे देता हूँ, AB, कहाँ दूँ यहाँ साइड में लिख दें AB CD, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की 1.5, 2.5 या 3, 2, 1.5, 2.5, 3। पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। बढ़िया सवाल हो गया, पॉज कर लें। चलिए मैं करूं इसको, ओके चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लिया है, दो चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स हैं, स्ट्रिंग से टंगे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, इन वैक्यूम इन द होल अरेंजमेंट केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, द एंगल रिमेंस सेम। कैलकुलेट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 1.5। नोट कर लिया है क्वेश्चन, मैं बनाऊं क्या बोलना चाह रहा है आपसे, क्या बोलना चाह, एक बार ट्राई करूंगे, मैं फिर से बता दूं। देखो ऐसे दो स्ट्रिंग से टांगा ऐसे वैक्यूम में, तो ये एंगल 60 डिग्री है, कहां वैक्यूम, और फिर इसी को मैंने उस लिक्विड में डाला, तब भी एंगल कितना है, 60 डिग्री है लिक्विड में। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड बताना है, ट्राई कर लो पॉज करके, चलो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इसको वेरिएबल टर्म्स में सॉल्व कर ले, ताकि अगली बार सवाल अगर कॉम्पिटिशन में आए तो फिर से कर सके, मिटा रहे इसको, चलो थोड़ा सा वेरिएबल टर्म्स में चलते हैं। एंगल तो बोला है सेम रहेगा, मान लो पहले एयर की बात करें, तो ये और ये, ठीक है, 60 डिग्री था तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, इसको मैं थीटा बोल दूं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
अच्छा स्फीयर का मास m मान लो, अच्छा यहां पे कुछ टेंशन डेवलप होगी, उसको बोला मैंने t। पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन t। अच्छा ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, थीटा या 30 जो भी कह लो। तो t का इधर कंपोनेंट t cos थीटा और t का इधर कंपोनेंट t sin थीटा। अब इस मास m पे कौन कौन सी फोर्स लग रही, एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अच्छा बोला है दोनों चार्ज्ड भी है यानी इसके ऊपर चार्ज भी होगा, तो मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज प्लस q, इसके ऊपर भी चार्ज प्लस q, है ना, सेम चार्ज बोला है, इक्वल चार्ज, प्लस q कर लिया हमने, मास इसका m मान लिया, ठीक है ना, mg फोर्स नीचे। अब दोनों पे चार्ज भी है q, तो यार इस पे एक इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगी कि नहीं, ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स किसमें लग रही, वैक्यूम में, तो इसको एफ नॉट। अच्छा जरा सवाल को समझो, अगर स्ट्रिंग से दो चार्ज ऐसे टांगोगे, दोनों पे सेम चार्ज है प्लस क्यू, तो रिपेल होके दूर भागेगा कि नहीं, भागते 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 एक जगह जाके इक्विलिब्रियम में आ गया, एक जगह जाके इक्विलिब्रियम में, दो चार्जेस थे आपने स्ट्रिंग से ऐसे टांग दिए, दोनों पे सेम चार्ज प्लस क्यू, रिपेल हुआ यहां आके रुक गया, कहां पे, 60 डिग्री पे, इसको हमने बोला 30, ये भी 30, ठीक है ना, 30 को हमने थीटा बोल दिया ताकि कोई भी सवाल आप इस तरह कर सको, वैल्यू पे आप डिपेंडेंट ना हो। अच्छा टी का इधर कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, इस पे लगने वाली और फोर्सेस कौन सी है, एक वेट एम जी और एक इसका रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ओ। यहां से आप बोल सकते हो टी साइन थीटा एफ नॉट के इक्वल, क्योंकि यहां पे आके ये रुक गया है, और टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल, इसको इससे डिवाइड कर दो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम जी, टेन थीटा इज एफ नॉट बाई एम जी। आप देख रहे हो कि स्फीयर का मास नहीं दे रखा था, स्फीयर की डेंसिटी दी थी, मास नहीं दिया था डेंसिटी। तो जरा स्फीयर की बात करें, मान लेते हैं स्फीयर की डेंसिटी सिग्मा है, 1.5 बोलिए सिग्मा मान लेते हैं, और मान लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम वी है, तो मास ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास यही होता है कि नहीं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसी भी चीज का मास निकालना हो तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा तो यानी टेन थीटा हो जाएगा एफ नॉट अपॉन मास की जगह सिग्मा वी जी बोल सकते हैं। ये एयर की कहानी खत्म हुई, बोलो एक्सप्लेन किया मैंने, समझ में आया अभी, एयर में मैंने दो स्ट्रिंग्स ऐसे टांगी, दोनों पे प्लस क्यू रिपेल होके दूर भागे, यहां जाके अटक गए, क्यों अटक गए, क्योंकि फोर्सेस जीरो हो गई। टी का एक कॉम्पोनेंट कॉस थीटा टेंशन का, जो वेट को बैलेंस किया, और टेंशन का साइन थीटा, इस पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस किया। फिर मैंने साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, इससे इसको डिवाइड किया, टी टी कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये समझ में आया, जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, टी कॉस थीटा। अब कई बच्चे सिर्फ 12 पढ़ना स्टार्ट किए इसलिए समझा रहा हूँ, 11 छोड़ के आते हैं, इधर कंपोनेंट जिधर थीटा है उधर टी कॉस थीटा, और उसके सामने टी साइन थीटा, डिवाइड किया तो टेन थीटा इज एफ नॉट बाई एम जी। फिर मैंने कहा इसका मास तो गिवन नहीं है, तो मैंने स्फीयर बना लिया, इसकी डेंसिटी सिग्मा बोल दी, वॉल्यूम वी बोल दिया, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सिग्मा वी जी, बात क्लियर। अब चलते हैं मीडियम के अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर, तो हम लिक्विड के अंदर आ गए, इन्होंने बोला एंगल सेम रहा, मतलब एंगल अभी भी 30 डिग्री या थीटा बोल सकते हैं, ये अभी भी 30 डिग्री या थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा टेंशन बदल गई इस बार, टी डैश हो गई, ठीक है, क्यों बदली अभी समझाते हैं, टी का इधर कंपोनेंट बोलो टी डैश कॉस थीटा, टी का इधर कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा, इस पे नीचे की तरफ स्फीयर का वेट एम जी और इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें आ गया, अब आप लिक्विड में आ गए, क्या लिक्विड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होगा कि चेंज होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, तो हम बोल देते हैं दिस इज द फोर्स इन द मीडियम, बोल देते हैं, ऐसे लग रही है, क्या कोई एक फोर्स हम मिस कर रहे हैं, बिल्कुल, जब इसको आप लिक्विड में इमर्स करोगे तो लिक्विड इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा, इसको आप पानी में डालोगे ऐसे छपाक या किसी लिक्विड में, तो लिक्विड इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट, तो ऊपर की तरफ एक नई फोर्स आई अपथ्रस्ट भी, बाकी क्लियर है, इसका वेट लग रहा नीचे, टेंशन टी डैश क्यों चेंज हुआ, क्योंकि फोर्सेस चेंज हो गई तो टेंशन को भी चेंज होना पड़ेगा, थीटा को सेम रखना है टेंशन बदलेगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, साइन थीटा इसके इक्वल, कॉस थीटा को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया इस बार, अपथ्रस्ट, फ्लूइड में अपथ्रस्ट लगता है कि नहीं, और नीचे की तरफ
अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब बनेगी टी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम, टी डैश कॉस थीटा प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एम जी। इस बार ये अप थ्रस्ट नहीं आ गया, ठीक है ना, यानी टी डैश कॉस थीटा हो जाएगा एम जी माइनस अप थ्रस्ट, और थीटा तो सेम है ना पिछली बार के जैसा ही है, समझ में आया, टी डैश कॉस थीटा के साथ कौन सपोर्ट हो गया, अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एम जी। अब इसको इसको डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, टी डैश कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस अप थ्रस्ट, बोलो सही है। एम की वैल्यू क्या है, सिग्मा वी जी, और अप थ्रस्ट भी निकाल सकते हो, ये किस में रखा है, किसी लिक्विड में रखा है, लिक्विड की डेंसिटी को मैंने रो बोल दिया, 0.5 गिवन थी, मैंने लिक्विड की डेंसिटी को रो बोल दिया, रो, ठीक है, और स्फीयर हमारे पास है, स्फीयर का वॉल्यूम वी है, तो बच्चों अप थ्रस्ट कितना होता है, अप थ्रस्ट होता है वी रो जी, किसी भी चीज पे अप थ्रस्ट कितना होता है, उस चीज का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, पढ़ रखा है अप थ्रस्ट की वैल्यू वी सिग्मा जी होगी कि वी रो जी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वी रो जी, वी सिग्मा जी तो इसका मास हो गया, सिग्मा इसकी खुद की डेंसिटी, तो मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अप थ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जो सॉलिड अंदर है, इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसको हमने रो माना, इनटू जी, वी रो जी। तो इनकी अगर वैल्यू रखें तो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम की जगह सिग्मा वी जी, अप थ्रस्ट की जगह वी रो जी, ठीक है, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दोनों से टेन थीटा की वैल्यू इक्वेट कर दो, काम खत्म, खत्म हो गया सवाल, अरे वेरिएबल्स की जगह वैल्यू रख दो, सवाल खत्म। सॉल्व करूं क्या मैं, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लो, 1 2 3 4 मिटा रूं मैं, 30 डिग्री से कोई लेना देना नहीं, यहां इसको 75 डिग्री भी बोलता तब भी सवाल सॉल्व होता, बच्चा सोचेगा 75 डिग्री में कैसे करे, अरे यार वो क्वेश्चन ऐसा सेट कर सकते हैं वो, कल को तुमको जेई मेंस में दे दे कि ये एंगल 82.5 डिग्री है, तुम परेशान कैसे करें, तुम देख रहे हो थीटा पे सवाल हिल जा रहा है, मिटा दे। अच्छा अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करो, सवाल खत्म है। अब थ्रस्ट समझ में आ गया, अब थ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो, दोनों तरफ से टेन थीटा की वैल्यू सेम है, इक्वेट कर दो, यानी F नॉट अपॉन सिग्मा वी जी इज इक्वल्स टू F इन मीडियम अपॉन सिग्मा वी जी माइनस वी रो जी, यहां से वी जी वी जी वी जी कैंसिल, F नॉट बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन सिग्मा माइनस रो, सिग्मा इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हमको दे रखी थी, इसकी डेंसिटी हमसे बोला था कितनी थी, 1.5 ग्राम पर सीसी, SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, रो किसकी डेंसिटी, रो हमारी लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी थी 0.5, पुट कर दो सवाल खत्म, एफ नॉट अपॉन 1.5 एफ एम अपॉन 1.5 माइनस 0.5, यानी एफ नॉट अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन 1, यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन 1.5, और ध्यान से देखो सेपरेशन वगैरह चेंज नहीं हुआ क्योंकि एंगल ही नहीं चेंज हुआ था, अब भैया एंगल सेम स्ट्रिंग सेम तो सेपरेशन भी तो सेम रहेगा, एंगल सेम स्ट्रिंग सेम सेपरेशन भी सेम चार्ज भी सेम, फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर अपॉन 1.5, यानी फोर्स कितने गुना कम हुई 1.5, और फोर्स कितने गुना कम होती है, रिलेटिव परमिटिविटी गुना, उसको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, अगर सेपरेशन और चार्ज सेम है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज बी 1.5। तो ये था लेक्चर रिलेटिव परमिटिविटी का, थोड़ा सा लंबा खींचा ड्यू टू लास्ट क्वेश्चन, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।